तो डियर स्टूडेंट, आज की यह वीडियो बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी की महासंग्राम होने वाली है। जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और वो आने वाले दिनों में कल परसों या फिर जब भी उनकी परीक्षा है हिंदी की, तो उनके लिए वीडियो महासंग्राम है, क्योंकि आज की इस वीडियो से ही लगभग जो प्रश्न हैं वो आपकी परीक्षा में आएंगे। तो ध्यान से वीडियो को कम्प्लीट देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है आपको पूरी हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चन पिछले साल के अकॉर्डिंग इस वीडियो में रखे हैं और आप सभी के एग्जाम को देखते हुए 2024 में 25 में जब भी आपकी परीक्षा होने वाली है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और सब देखिए, सेमेस्टर आपका हो गया, ठीक है, फोर्थ सब्जेक्ट हिंदी है, प्रश्न पत्र का नाम है हिंदी अनुवाद, इस बात को भी ध्यान रखेंगे क्या है, हिंदी अनुवाद है, और इसी से जुड़े क्वेश्चन सारे के सारे आपकी परीक्षा में आएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है तो कंप्लीट जरूर देखते रहिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है वो देखिए, यही प्रश्न पत्र का नाम है, तो इसी से शुरू करते हैं कि हिंदी अनुवाद की परिभाषा क्या है या फिर अनुवाद की परिभाषा दीजिए। तो सिंपल सा उत्तर लिखेंगे, किसी भाषा में कही गई या लिखी गई बात का दूसरी भाषा में सार्थक परिवर्तन अनुवाद कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में कोई मान लीजिए सेंटेंस है कि व्हाट इज़ योर नेम, ये है वर्ड या सेंटेंस है इंग्लिश में व्हाट इज़ योर नेम, तो व्हाट इज़ योर नेम को हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे हिंदी में, ठीक है, तो हो जाएगा आपका क्या नाम है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे अनुवाद, यानी कि एक भाषा है इंग्लिश, ठीक है, कोई इंग्लिश है जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, उसको हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका क्या नाम है, तो इसको हम कहेंगे अनुवाद, ठीक है। तो इस प्रकार परिभाषा लिखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, फंसेगा पक्का। नेक्स्ट प्रश्न है कि जो अनुवाद है, जो ट्रांसलेशन है, इसकी ज़रूरत क्यों, इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, ध्यान से सुनेंगे। विभिन्न भाषाओं के साहित्य से परिचित होने के अवसर प्रदान करता है, मतलब कि बहुत सारी भाषाओं के बारे में जानकारी हो, ठीक है, और भाषा का ज्ञान हो सके, आपको ये जानकारी प्रदान करता है, ठीक है, ये हो गया अनुवाद का उद्देश्य। दूसरा है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। देखिए, अगर आपको मल्टी लैंग्वेज के बारे में जानकारी रहेगी या फिर आप लोग ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड का मीनिंग पता होगा, इससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि आपकी जो इंग्लिश की जो है या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट की जो कुछ चीज़ें ऐसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको बारे में आपको पता नहीं होगा उनके बारे में जानकारी होगी। उसके बाद अगला जो उद्देश्य है ये है कि अन्य भाषाओं के विचारों को अपनी भाषा में अनुवादित करने की योग्यता विकसित करना, मतलब किसी अन्य भाषा के जो विचार हैं, जो बातें हैं, ठीक है, उन चीज़ों को जिस भाषा को आप समझते हैं उसमें अनुवाद करेंगे तो आपकी फिर योग्यता विकसित होगी, ठीक है। विभिन्न भाषाओं की रचना शैलियों को समझकर दूसरी भाषाओं में उसे परिवर्तन करना, ठीक है। तो इस तरह आप लिखेंगे हिंदी अनुवाद के जो प्रमुख उद्देश्य हैं ट्रांसलेशन के यानी अनुवाद के, तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि अनुवाद का महत्व बताइए, जो अनुवाद है इसका महत्व तो क्या है, ठीक है, तो हिंदी अनुवाद का महत्व तो जान लीजिए। अनुवाद ज्ञान के संचार हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी कि एक दूसरे से बात करने के लिए, संचार करने के लिए, कोई चीज़ शेयर करने के लिए, ठीक है, आपस में बात करने के लिए, समझने के लिए अत्यंत जरूरी है और अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज हम अनुदित फिल्में देखकर दूसरी संस्कृतियों के बारे में अधिक जानते हैं, हमारी विज्ञान की जानकारी भी, ठीक है, जानकारी में भी अनुवाद का महत्वपूर्ण भाग है। विज्ञान का सृजन अनेकों भाषाओं में हुआ है और अनुवाद के कारण यह सर्वत्र उपलब्ध है, यानी कि बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो सिर्फ इंग्लिश ही जानते थे विदेश के, ठीक है, इंग्लिश ही जानते थे, उनको हिंदी के बारे में मतलब कि मालूम था लेकिन बहुत कम, ठीक है, तो वो क्या है, उन लोगों ने जितनी भी बुकें लिखी सब इंग्लिश में लिख दी, ठीक है, लेकिन जो हमारे देश की ऑडियंस है भारत की वो ज़्यादातर हिंदी समझती है, ठीक है, तो उस बुकों को ट्रांसलेट कर दिया गया हिंदी में, ठीक है, तो हिंदी में जब ट्रांसलेट कर दिया गया तो लोग समझने लगे, जानने लगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अनुवाद का जो महत्वपूर्ण जो है या फिर इसका जो रोल मुख्य है वो बहुत सारी बुकों में है, बहुत सारी बुकों में के वजह से, मतलब कि बहुत सारे जो बुक हैं वो हिंदी में ट्रांसलेट हुई, तो इससे अनुवाद का बहुत बड़ा योगदान है बुक के क्षेत्र में भी, ठीक है। आप कोई मूवी देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, ठीक है, तो वो किसी इंग्लिश में रहती है, फिर तेलुगू में रहती है, तमिल में रहती है, आजकल आप लोग फेसबुक पे देखते ही होंगे वीडियो वाले सेक्शन में, फिर यूट्यूब पर देखते होंगे,
वो जो मूवी तमिल होती है, तेलुगु होती है, साउथ की होती है, वो आपको हिंदी में आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो किस वजह से पॉसिबल, उसको ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है, उसकी डबिंग की गई है, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल वो हुआ है अनुवाद की वजह से ही, ट्रांसलेशन की वजह से। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मशीनी अनुवाद से क्या आशय है। तो मशीनी अनुवाद के बारे में परिचय जानते हैं। मशीनी अनुवाद का अर्थ है मशीन या कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। बहुत बड़ा एग्जांपल है ट्रांसलेटर। जब आप गूगल पे जाएंगे, ठीक है, कि मोबाइल में फिर कंप्यूटर में, तो वहाँ पर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, या फिर हिंदी टू इंग्लिश, या फिर इंग्लिश टू हिंदी, तो आप कोई भी भाषा से, किसी भी भाषा को आसानी से आप लोग परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ एप्पल लिखी है, ठीक है, तो एप्पल का हिंदी मीनिंग नहीं पता आप, तो आप ट्रांसलेशन में डालेंगे, ठीक है, एप्पल, बस उत्तर में आपका आ जाएगा हिंदी वाले, ठीक है, ट्रांसलेट में सेव, कि भैया एप्पल मतलब सेव होता है। तो वही बताया जा रहा है कि मशीन या कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना मशीनी अनुवाद कहलाता है। यानी कि कोई चीज़ वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप लोग किसी भी चीज़ को कन्वर्ट कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में, तो उसको अनुवाद कहेंगे, मशीनी अनुवाद कहेंगे। अनुवाद की तीन प्रक्रिया सर्व स्वीकृत हैं। पहली है विश्लेषण, दूसरी है अंतरण एवं पुनर्गठन। मशीनी अनुवाद में ये तीनों प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा संपन्न होती हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, बेसिक सा परिचय है मशीनी अनुवाद के बारे में, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अनुवाद में रोजगार की संभावनाएं क्या है। तो भाई अनुवाद में रोजगारों की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो चलिए जान लेते हैं। उत्तर लिखेंगे कि मंत्रालयों के अतिरिक्त विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, राज्य सरकारों के कार्यालय, विभिन्न न्यायालयों और प्राधिकरणों आदि में अनुवादकों के पद की आवश्यकता होती है। इसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा, सचिवालय में संपादन व अनुवाद सेवा में अनुवादकों के पदों पर भर्तियाँ की जाती हैं। यानी कि अनुवाद के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी, बहुत सारी, ठीक है, रोजगार के ऑप्शन मिलते हैं, क्योंकि ट्रांसलेटर की ज़रूरत बहुत सारे डिपार्टमेंट के होती है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता ही रहा हूँ, ठीक है, जैसे कि आपको सरकारी कार्यालय यानी कि सरकारी ऑफिस में कहीं ना कहीं ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है, जो किसी भी भाषा को किसी भाषा में कन्वर्ट कर दे, ताकि जो नहीं जानकारी है जिस भी व्यक्ति को, जिस भी ऑफिस में रहने वाले अधिकारी को, जिस भाषा के बारे में नहीं जानकारी, उसको जानकारी हो जाए। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में अलग अलग एम्प्लॉय रखे जाते हैं। कोई अकाउंटेंट का डिपार्टमेंट संभालता है, तो कोई, ठीक है, तो कोई अटेंडेंस वाला संभालता है, कोई जो आपके डेली के जो मैटर आते हैं उनको सॉल्व करता है, ठीक है, और कोई जो है वो आपके डेटा का बैकअप करने के लिए रखता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के अधिकारी होते हैं, सबके अलग अलग कार्य होते हैं। उसी तरह एक पद होता है ट्रांसलेटर का भी, ठीक है, जो कि जैसे कि कोई ऑफिसर है, उसको तेलुगु नहीं समझ में आ रही, तो वो जाएगा जो ट्रांसलेटर वाला एम्प्लॉय बैठा, उससे बोला गया कि भैया ये हिंदी में क्या हो जाएगा, तो ट्रांसलेट करके दे देगा, तो समझ जाएंगे कि भैया क्या लिखा है तेलुगु वाला हिंदी में। तो इस प्रकार इसकी जो आवश्यकता है वो सरकार के जितने दफ्तर हैं, ऑफिस उसमें भी है, न्यायालयों में है, यानी कि जो, ठीक है, न्यायालयों का मतलब आप लोग समझते ही हैं, ठीक है, कि जहाँ पर जिसको आप लोग बोलते हैं हाई कोर्ट, ठीक है, या फिर आप लोग सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं, ठीक है, उच्च को, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, फिर डिस्ट्रिक्ट का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो, ठीक है, कोर्ट होता है वो, ठीक है, तो ये सब न्यायालयों में, ओके, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं वैकेंसी की, ठीक है, रोजगार की चांस है। उसके बाद अनुवादों को पदों की आवश्यकता होती है, ठीक है, कार्यालय में होती है, न्यायालय में भी होती है, ठीक है, और प्राधिकरणों आदि में इनकी जरूरत पड़ती है, जो वैकेंसियाँ होती हैं या फिर रोजगार होते हैं, यहाँ पर लोग को हायर किया जाता है जिनको अच्छी काफ़ी लैंग्वेजों के बारे में जानकारी है। लोकसभा में भी जरूरत पड़ती है, राज्यसभा में, सचिवालय में, ठीक है, इन सभी जगहों पर रोजगार की, मतलब कि अनुवादक की ज़रूरत होती है, यानी कि ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जिसको बहुत सारी लैंग्वेज का मालूम हो और किसी भी भाषा को किसी भाषा में आसानी से कन्वर्ट कर सके और उसको एक्सप्लेन कर सके। तो बहुत ज़्यादा रोजगार है, अगर आप लोग बहुत सारी लैंग्वेजों के बारे में जानकारी लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी। अगला कि अनुवाद की प्रक्रिया क्या है। तो अनुवाद जैसा कि जोनोमिक्स से संबंधित है, वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मैसेंजर RNA mRNA में इनकोड की गई जानकारी प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो एसिड को जोड़ने का निर्देश देती है, ठीक है। तो हालांकि अनुवाद की प्रक्रिया की भी परिभाषा आप लिख सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन बहुत कम आता है।
और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि अनुवाद कितने प्रकार के होते हैं, तो ध्यान रखेंगे अनुवाद के जो प्रकार हैं वो उनका जो विभाजन है दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है अनुवाद के विषय के आधार पर और दूसरा उसकी प्रक्रिया के आधार पर। उदाहरण के लिए विषय वस्तु के आधार पर सहायता अनुवाद कार्यालय हिंदी, विधिक अनुवाद, ठीक है, आंसू अनुवाद और वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद, वाणिज्यिक अनुवाद आदि। तो इस प्रकार लिखेंगे बेसिक से परिचय अनुवाद के प्रकार के बारे में। बाकी आप अपने अनुसार भी तैयार कर सकते हैं, छोटा सा परिचय मैंने दे दिया ताकि आपको पता रहे कि हाँ भैया ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी आप उत्तर आप अपने अनुसार भी तैयार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि अनुवाद की सीमाएँ क्या हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन पिछले वर्ष में पूछे गए 2021-22-23 में, ठीक है। अनुवाद की सीमाएँ और इसका उत्तर लिखेंगे कि अनुवाद की सीमाएं तब प्रकट होती हैं जब भाषाओं, क्षेत्रों या सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक वातावरण के बीच विसंगतियां होती हैं। संपूर्ण दस्तावेजीकरण के बाद ये सीमाएं गायब हो जाती हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि अनुवादक को पाठ का सर्वोत्तम संस्करण प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये वाला भी क्वेश्चन 50-50 वाला क्वेश्चन, कभी कदार आता कभी नहीं आता, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कुल मिला के, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में क्या समस्या, ठीक, समस्या में मतलब क्या समस्याएं आती हैं, ठीक है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में क्या समस्या आती हैं, तो अर्थ का अनर्थ तब, ठीक है, अर्थ का अनर्थ तब ज़्यादा ही होता है जब हम शब्द अनुवाद, मतलब कि जो शब्द होते हैं शब्द अनुवाद कर देना चाहते हैं। हर भाषा की अपनी एक खास प्रकृति है, अपनी एक अलग पहचान है, इसलिए जिस भाषा में अनुवाद कर रहे होते हैं उसकी प्रकृति, उसके मिजाज का रक्षण आवश्यक हो जाता है। यानी कि अर्थात अनुवाद एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि एक भाषा के शब्द हूबहू दूसरी भाषा में अक्सर नहीं मिलते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी आ जाती है लेकिन सेम टू सेम नहीं आते, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है। हालांकि कुछ वर्ड है, कुछ सेंटेंस ऐसे भी हैं जो सेम टू रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लाइन्स हैं, कुछ ऐसा पैराग्राफ है, कुछ ऐसी वर्ड्स हैं जो हूबहू नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी समस्याएँ आती हैं अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करने में या फिर उसका अनुवाद करने में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि अनुवाद और संस्कृत में क्या संबंध है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अनुवाद सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक माध्यम है, या फिर आदान प्रदान का माध्यम बनता है, सांस्कृतिक सेतु का काम करता है। इसलिए कहा गया है कि अनुवाद मूलतः सांस्कृतिक कर्म भी है। प्राचीन समय से यह आदान प्रदान होता रहा है। भारतीय साहित्य, दर्शन व वाणिज्य आदि का अनुवाद चीनी, जापानी, सिंगली, जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से होता रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार थोड़ा संबंध है अनुवाद और संस्कृत के बीच, इसी प्रकार परिचय लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुल मिला के अनुवाद और भाषा क्या है, तो अनुवाद और भाषा के बारे में जानते हैं। अनुवाद मूल संदेश और संचार को बनाए रखने के लिए एक भाषा से दूसरी भाषा में पाठ को दोबारा बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन हर चीज़ की तरह अनुवाद के भी अलग अलग तरीके हैं और वे रूप और कार्य के भिन्न भिन्न हैं, उनके कार्य और रूप भी भिन्न भिन्न हैं। तो मतलब कि अनुवाद का जो मूल संदेश और संचार करने बनाए रखने के लिए एक भाषा से दूसरी भाषा में पाठ को दोबारा बनाने की जो प्रोसेस होता है, ठीक, प्रक्रिया होता है, लेकिन हर चीज़ की तरह अनुवाद के भी अलग अलग तरीके हैं। भाई कोई चीज़ है तो उसके अनुवाद करने के अलग अलग सिस्टम, कोई भी काम हो उसके अलग अलग सिस्टम हो सकते, सेम नहीं हो सकते, ठीक है, और उसके अलग अलग कार्य और रूप भी हैं। तो इस प्रकार लिखेंगे अनुवाद और भाषा के बारे में। अगला है कि अनुवाद में कोश का महत्व बताइए, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोश एक ग्रंथ है, तो कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ एवं पर्याय सहित शब्द इकट्ठे किए गए हों। कोश वह ग्रंथ है जिसमें विशेष क्रम से शब्द दिए हों और उनके आगे अर्थ दिए हों। अनुवादक के लिए सबसे बड़ा सहायक उपकरण होता है शब्दकोश, ठीक है, जिसको आप लोग डिक्शनरी भी बोलते हैं। अनुवाद चाहे साहित्यिक पाठ का हो या तकनीकी, सभी अनुवादकों को अच्छे शब्दकोश की जरूरत महसूस होती है। मतलब कि अगर आप कोई भी क्षेत्र में अनुवादक का कार्य कर रहे हैं, ट्रांसलेटर का काम कर रहे हैं, तो चाहे तकनीकी का क्षेत्र हो, चाहे साहित्यिक का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आप उसमें अनुवादक जो है उसको एक अच्छे शब्दकोश की जरूरत पड़ती है, कि अच्छे शब्दकोश की नॉलेज होनी चाहिए, महसूस होता है कि हाँ भैया इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो बेसिक परिचय इसका भी लिख सकते हैं। परिभाषा कोश का उपयोग, ये क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, आप इग्नोर भी कर सकते हैं। साहित्य कोश के उपयोग ये भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। परिभाषा शब्द के देखिए परिभाषिक शब्दों के प्रकार बताना है तो परिभाषिक शब्दों के प्रकार में देख लेते हैं। व्यवहार भाषा व्यवहार में देखा जाता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं,
सामान्य शब्द, अर्धपरिभाषिक शब्द और पारिभाषिक शब्द। इसके विपरीत कुछ भाषा विज्ञानी पारिभाषिक शब्दों के दो ही प्रकार मानते हैं। तो इस प्रकार छोटा सा परिचय लिख देंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परिभाषिक शब्द की क्या विशेषता, ये भी उत्तर लिख सकते हैं। इसी तरह इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं, वही सारे क्वेश्चन इंक्लूड है जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और इस बार आने की संभावना है। बाकी ये जो पूरी पूरी पीडीएफ है क्वेश्चन आंसर की, ये हम टेलीग्राम व्हाट्सएप पर डाल देंगे, तो वहाँ पर डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर बोल दीजिएगा सर हमें इस सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, हम आपको सेंड कर देंगे, तो वही डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे पढ़ते रहिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन तो जरूर पूछिए। आपका अपना ही चैनल सक्सेस हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।